तेरे हाथ काम ही नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी। अभी रात के बजे हैं जी 3:39, बाहर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। बादल इतने ज़ोर से गरज रहे हैं ना कि मैं सोया था, मैं जाग गया, इतनी ज़ोर से बादल गरजे। रात आया हुआ जानवर, सुबह आया हुआ रात। इस व्लॉग को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो के टारगेट में रखते हम 2000 लाइक्स। इस वीडियो में मुझे 2000 लाइक्स चाहिए, तब ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। हम अभी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं है, और ये चैलेंज आज हमें एक्सेप्ट करना है। 24 आवर्स के लिए हम बिल्कुल कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और आगे फिर जब जो हम ग्रेट लेक्स का ट्रैक कर रहे हैं ना, उसमें तो हमें एक हफ्ते तक फोन्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। हाँ, तो तब तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई आगे आगे थोड़ा फोन्स कम यूज़ करने, काम पे ज़्यादा ध्यान, कैंपिंग पे ज़्यादा फोकस, एडवेंचर पे ज़्यादा फोकस, ताकि आपको मैं ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे सकूँ। अभी हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज, लेकिन फ्रेंच फ्राइज हम बनाएंगे आग पे। यहाँ पे आग पे फ्रेंच फ्राइज का मज़ा ही अलग है। ये यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे फ्रेंच फ्राइज, यहाँ पे बनेंगे इस आग पे ज़बरदस्त तरीके से। फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल तैयार हो गए, ये देखो जी। वाज भाई बोलो, बहुत ही टेस्टी है। हाँ, आग पे बनना है। हाँ, आग पे बनाया, बहुत ही टेस्टी है। राइस तैयार करेंगे और दैट्स इट। यहाँ कीड़े आने लगे, मच्छर आने लगे, और इनका इलाज भी है। इनके लिए हम ये थोड़ा गोबर हमने सामने जमा किया है, तो ये गोबर जलाएंगे, थोड़ा धुआं आएगा इससे तो बेटर रहेगा। राइस मैंने इसमें डाल दिया है, और यहाँ से धुआं भी स्टार्ट हो गया मच्छर भगाने के लिए। और राइस हम रखेंगे यहाँ कोयले पे, यहाँ पे जी। इसमें मैंने दम लगा दिया, तो अब ये आराम से कोयलों में तैयार हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। भाई वहाँ पे थोड़ा जानवरों को हटाने के लिए वो विसल्स कर रहा है। आग भी रेडी है, और ये बहुत सुनसान जंगल है, बहुत ज़्यादा सुनसान जंगल है। और यहाँ पे हमने ये धुआं लगा के रखा है, ये गोबर वहाँ पे है, तो इससे जो है मच्छर कीड़े वगैरह बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये जलता रहेगा ऐसे रात भर, इसमें अच्छा टाइम निकलता है। और राइस हमने वहाँ पे रख दिया है, चिकन हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका है, डिनर करेंगे और हम टेंट्स में घुस जाएंगे। हाँ, कुत्ता कहाँ गया? वो उसके पीछे भागे, कुछ था वहाँ पे। अच्छा, लोमड़ी थी शायद, फॉक्स के पीछे भागा है वहाँ से, उधर से भाग गया वो। ये लो जी मेहमान आ गया। ये शूर पकड़ क्या क्या ना करें क्या ये क्या शूर पकड़ अभी की वार 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 यू तो मुझे टाइम गैस तू तू तो बगी क्लोज है। तबर थोड़ा आता सुन। हाँ, राउंड है दिवाई किन जानवर चिका। तो यहाँ पे बकरवाल भी है ऊपर, वहाँ पे वो आपको लाइट्स नजर आ रही होंगी ऊपर। वो हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा।
ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत एक्सट्रीम है। आग जल रही है, वहाँ से आग की परेशानी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से फिर भी ध्यान देना पड़े। अभी हम राइस सर्व करते हैं, चांद प्लेट ही कौन मिश प्लेट छिल थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो जी क्या ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जब उसके आसमान क्या ट्विस्ट था मैं आय हाय, ओह ये देखो जी, ये देखो अंदर वाला माल बाहर आ रहा है, ये देखो, ये देखो जी, वल्का टेस्ट। जी पता यू चिकन यथ मे त्रो अह टेस्ट आज गुमत जबरदस्त। भाई राइस क्या तैयार हुआ है, ओ परफेक्ट राइस तैयार हुआ, परफेक्ट राइस तैयार। ले आओ थोड़ी सी ग्रेवी आप। चलिए जी खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे। बाहर हो गई जी बहुत तेज़ बारिश शुरू, बहुत ज़ोर से बादल गर रहे हैं और बारिश बहुत तेज़ अभी और इससे ज़्यादा तेज़ शुरू हो जाएगी। बस होपफुली टेंट में पानी ना आ जाए, वैसे नहीं आएगा, ये फुल वाटरप्रूफ टेंट है, फिर भी क्या कर सकते हैं। तो अभी बस आग जो है वो भी बुझ चुकी है क्योंकि लकड़ी सारी ख़त्म हो गई और अभी हम ला नहीं सकते, बहुत अंधेरा हो चुका है। तो अभी बस होपफुली सब रात भर ठीक रहे और नींद भी अच्छी आ जाए, तो मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह। भाई बहुत ज़्यादा हवा स्टार्ट होगी और बारिश भी, तो टेंट के ये दो हिस्से जो है ना ये बांधेंगे फिर से, क्योंकि अगर ज़्यादा हवा आई ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। भाई बारिश स्टार्ट होगी ये बहुत इकतल तो नेबर। अभी रात के बजे हैं जी 3:39 और बाहर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है और बादल इतने ज़ोर से गरज रहे ना कि मैं सोया था, मैं जाग गया, इतनी ज़ोर से बादल गरजे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रात भर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, बहुत ज़्यादा डर था कि टेंट जो है वो ना कहीं बह जाए बारिश के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से टिक गए और टार्प ने भी बहुत ज़बरदस्त कमाल किया है। ये देखो जी क्या मौसम हुआ है, बहुत ठंडा मौसम है भाई। हाँ जी भाई वापस घुस जाओ बहुत ठंड है। ओह
बारिश स्टार्ट हो गई है। वाजिद भाई निकलना है कि रहना यहीं पे? रहेंगे यहीं पे। अगर ये 4 बजे तक का चैलेंज है हमारा, 24 आवर्स का चैलेंज है, जो कि आज 3 बजे ख़त्म होगा और 4 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। देखते हैं बारिश के हिसाब से, अगर बारिश रुक गई तो, वरना ये चैलेंज जो है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो है कंटिन्यू हो जाएगा। अभी हमारे पास मेहमान भी आ चुके हैं, वहाँ पे दो लड़के हैं, ये बकरवाल है यहाँ पे, गुजर बकरवाल, और एक चाचा हैं जो कि कश्मीरी हैं, वो बेड लेके आए हैं। तो अभी हम चिकन रेडी कर रहे हैं, चाय इन लोगों ने पी है, हम लोगों ने भी पी ऑलरेडी, मैंने फिर से चाय बनाई। तो अभी ये लकड़ी थोड़ा बहुत जमा कर रहे हैं, वो टूटे वूटे पेड़ों से, तो थोड़ा गर्मी भी करेंगे, और यहाँ से चिकन भी रेडी हो रहा है। आप प्याज रेडी करो और टमाटर रेडी करो, वो है चाचा वहाँ पर, बहुत हेल्पफुल है। तो ये करते हैं, ऊपर से मौसम इतना ठंडा हो गया ना भाई, क्या बताऊं मैं। ये देखो जी क्या जबरदस्त चिकन रेडी हुआ है, ओहो हो 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 हो, ये देखो क्या जबरदस्त चिकन रेडी हुआ है। अभी ये लंच करते हैं, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, कुछ मेहमान आए हैं हमारे यहाँ पे, एक साथ ही खाना खाएंगे ये लोग भी और हम लोग भी। चिकन मंजो क्यों चुको मता? हमारा चैलेंज कंप्लीट होने में बस 1 मिनट बचा है, 3 बजे हमारा चैलेंज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चैलेंज कंप्लीट भाई, हमारा चैलेंज कंप्लीट हो गया। आप चलें, वाइंड अप करें, अब वाइंड अप करते हैं, चलते हैं। बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। निकलते हैं भाई क्योंकि फिर यहाँ ये अच्छा चीज ज्यादा रूद पे हो ज्यादा रात हो ज्यादा रात आया हुआ जानवर सु आया हुआ रात बेकुस हापुत दो اس نشانی نہیں مگر اچھا ہو تیرن نشی ماں اس تے پیارا تم نے چیلنج کا لاسٹ والا پارٹ بہت زیادہ ٹف ہو گیا میرے ہاتھ کام ہی نہیں کر رہے اور بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے بھائی बहुत ज़्यादा ठंड। हम उस हिसाब से कपड़े लाए ही नहीं थे, हमें लगा धूप है अच्छा मौसम होगा, लेकिन यहाँ माइनस जैसा हो गया है, बहुत ठंड और ऊपर से कपड़े पूरे गीले हो गए। अभी हमें वापस जाना है, वापस जाने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा हमें। तो वाजिद भाई चले? हाँ बस चलो चलो यार, बहुत ठंड लग रही है, रेन गियर लगा के तैयार हैं, चलते हैं। कुछ रह तो नहीं गया? इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको किसी भी रीजन से आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही, अल्लाह हाफिज। Thank you.